गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर की 2.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करूंगा, उसका पहला पार्ट। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसका जो पहला पार्ट है जो कि है पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जी एक्स कितना है एक्स प्लस 1। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको जीरो से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देनी है और सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर एवरीवन। वैल्यू की मतलब कि अगर जीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लियर एवरीवन। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है पी एक्स लिखा, जी एक्स लिखा। जी एक्स को हमने जीरो से कंपेयर कर एक्स प्लस वन, आंसर हमारा एक्स की वैल्यू आई माइनस वन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में जहाँ कहीं एक्स है माइनस वन हमने डाल दिया, 2(-1)³ प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, ब्रैकेट -1 -1 हो गया। ठीक है, जहाँ भी पावर ऑड है तो माइनस का माइनस रहेगा, जहाँ पावर इवन है वो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2-1 आ गया प्लस, ये प्लस 1 हो गया, प्लस 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 हो गया, 1 हो गया, ये माइनस माइनस का हो गया, प्लस हो गया, 2 × 1 2 हो गया, और -1 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 × 2 2 आ गया, ये 1 यहाँ कॉपी कर दिया, ये 2 यहाँ कॉपी कर दिया, -1 यहाँ कॉपी कर दिया, माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, बराबर आंसर क्या हमारा, जीरो आ गया। आंसर जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका इसके फैक्टर है। क्लियर एवरीवन, जीरो आने का मतलब ये इसके फैक्टर है। क्लियर एवरीवन। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि है नेक्स्ट पार्ट मैंने नीचे ये है, इसके साथ वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन करें, और बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। Bye bye everyone, take care, see you again.